दागु राइडिंग बोला है कि दागु राइडिंग ने बोला है कि कुछ फनी प्रेजेंटेशन बनाया भाई, ये देखते हैं। एक सेकंड, कौन है ये बंदा? अरे ये इसने पहना क्या है? चोर जैसे बन, चोर नहीं, ऐसे बन के स्ट्रिंग करता है। ओह प्रेजेंटेशन मिल रहा है भाई, अरे स्टार्टअप आईडिया है भाई प्रॉपर। मतलब इंडिया में जैसे हम सबने क्यों किया, मैं जब भी देखता हूँ ना, हम सब करते हैं, एक फ्लैश और देखिए हमने क्यों किया ये अपनी जिंदगी में, ये ऐसा क्या था? ये हमारे बच्चे भी देखेंगे यार। ओ भाई गाइस, रेड हो गई। स्वागत होगी, उसके बाद मैं आपको अपना स्टार्टअप आइडिया दिखाऊंगा। लेट्स गो, लेट्स गो चैट। स्मार्ट है बंदा, उसके अपने पॉइंट देना चाहिए ना ये सबके पास। भाई मेरी आवाज आ गई तमाशा देखने। चलिए गाइस, आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अराउंड 10 मिनट्स में मैं कवर करने का ट्राई करूंगा प्रेजेंटेशन। चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस आप जानते हैं मेरे को, मेरा नाम है डाकू रेड्डी और ये है मेरा स्टार्टअप आइडिया। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में रहेगा, पहले मैं सबको इंट्रोड्यूस करूंगा, खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा, थोड़े यूट्यूब स्टैट्स बताऊंगा, प्रॉब्लम क्या चल रही है अभी यूट्यूब स्ट्रीमर्स के साथ, उसके बाद मैं अपना एक सॉल्यूशन प्रपोज करूंगा, उसके बाद मैं पूछूंगा भाई, मतलब मैं बताऊंगा कि मेरे को क्या चाहिए और उसके बाद क्यों नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। एज अ सेड, आई एम डाकू रेड्डी, मैं मास्क पहन के स्ट्रीम करता हूँ। मेरे को और जानना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल Motion OP, because I love it. Now let's welcome the guest, right? मैंने एक वेलकम कर दिया, एक और वेलकम मिलता है। फर्स्ट इज हल्द्वानी एम्परर, गाइज हल्द्वानी एम्परर ओपी कर दो गाइज। अभी इसके पीछे हल्द्वानी एम्परर, लुक एट द FBI, ओपन अप पीछे से पीयूष, गाइज लुक एट द पीयूष। He's Pompuna caretaker, guys. He's Pompuna caretaker. And last but not the least, he's anti-attractor, guys. Anti-attractor, guys. आपको अगर आपने last Fate Night देखी हो तो आपको पता होगा कि gamer field पे काफी क्या move भी चुना है, मजा। Keep calm and Vamu, guys. Keep calm and Vamu. हमारे second guest हैं। He's supreme leader, guys. He's supreme leader. BK के देखा नहीं है तो guys देखो यार, बहुत ही प्यारा content है। सागर शाह के साथ ये चेस तो नहीं खेल रहे। चेस प्रमोटर भाई, मैं अपना फोन प्रमोट कर रहा था। लेकिन he promotes chess guys, he really मतलब इंडिया में चेस इन्होंने प्रमोट किया। बिरयानी स्टॉकर guys, बिरयानी मतलब कलेक्ट करते हैं, खाते हैं, मतलब बिरयानी इज लव फॉर हिम गाइस। ही इज नन अदर देन समय रैना, फॉलो सुप्रीम और स्वॉलो इट। भाई ये अपने एक्ट में हमें क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है, हमको ही कभी सोचा क्या पता कि हम कौन है। मेरे को एक चीज नहीं समझती बॉस, इसका प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट की बात करी नहीं रहा। अरे देखने तो दो यार मित, हस दे चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब मतलब ये होता कि ना उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। जो नहीं समझा सोलो इट का मतलब वो कल पोगो देखेंगे मेरे हिसाब से। थर्ड सुपरस्टार हमारे, ही इज द मीम सप्लायर, ये मेमे सप्लाई करते हैं भाई, मेमे मतलब इनके ये मतलब जो भी ट्रेंड निकाल देता है, मतलब आपको पता ही है गाइस, ये डोला नहीं डोला आपने देखा होगा। He is the real content creator and he is our boredom destroyer. सबने क्यों किया, मैं जब भी देखता हूँ ना, हम सब क्यों करते हैं, एक फ्लैश और देखिए हमने क्यों किया ये अपनी जिंदगी में। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. ये ऐसा क्या था? ये हमारे बच्चे भी देखेंगे यार। कई लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से बाहर निकाला, आई नो दैट, और काफी प्यारा कंटेंट है, रिएक्शन है, ये सब, एवरीथिंग इज सो गुड गाइस। डिप्रेशन से बाहर निकाला और फिर वापस डाल दिया। हाँ, तीसरे पिक के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, डिप्रेशन ही ठीक था भाई। अबाउट इट इज तन्ना भट्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, ही इज द मिमिक्री मास्टर गाइस, मिमिक्री मास्टर। मेरा एक ही है क्या, मिमिक्री मास्टर गाइस। नहीं, ये देखने के बाद उसको लगा कि और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या है ये? मिमिक्री मास्टर विद पैट ओपी गाइस, तू एसओएल चैनल पे क्यों बैठे हो वहां पे चैट। चलिए गाइस, जनता भी है यहां पे, तो जनता के लिए सबसे पहले,
आप आपका दिख गया ना टॉयलेट वाला फोटो जनता यहाँ पे ये सब दोगलापन है। यूसी स्कैमर्स हैं, आपको सुपर चैट देके स्कैम कर सकते हैं। अच्छा, तो उनसे थोड़ा बच के रहिए। वी हैव सम पिकाचूज आल्सो जो कुछ भी करते हैं, स्ट्रीमर्स को पता है। एंड वी हैव सम रियल सपोर्टर्स, जो तुम कुछ भी गेम खेलो वो आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे। मतलब कुछ उनको भी रियल सपोर्टर नहीं भाई, वेले बोलते वेले जी डेफिनेटली कम। तो ओपी फॉर दैट प्लेयर्स राइट, मेरा पीछे चेस गेम चल रहा है एंड नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम राइट। तो देयर आर अराउंड 5 लाख YouTube क्रिएटर्स लाइक जो स्ट्रीम करते हैं। ये 2022 का स्टैट्स है। मैं ना पिछले 3 साल से YouTube कर रहा हूँ और इतना बड़ा कंपनी खोला है मैंने, मेरे को मत सिखा YouTube के बारे में। तो मैं ना यहाँ पे धंधा करने को बैठा हूँ, मेरे को रेट करने को आया। कोई बात नहीं, हम इन्वेस्ट करेंगे भाई, हम देख रहे हैं। आप बताओ, आप बताओ, हम देख रहे हैं। उससे बड़ा रेट कोई कर नहीं सकता, बात मत कर। अरे हम कर देंगे, आप दिखा रहे हम भी कर लेंगे। मीटिंग के लिए आपको गेमिंग चेयर में शॉक लग जाएगा। पोक फीचर गाइस, पोक मतलब गेमिंग चेयर के अंदर से कहीं से भी कुछ निकल सकता है गाइस। मतलब उसमें आउट हूं, सॉरी मैं आउट हूं। भाई क्या कर रहे है यार तू, मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। जनरली स्ट्रीमर्स के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्ट्रीमर्स, पहली प्रॉब्लम बैक पेन, क्योंकि वो चेयर पे बैठे रहते हैं यार पूरे दिन रात, कुछ भी चलता रहता है, बैक पेन, नेक पेन, स्लीप डिसऑर्डर। आपने देखा होगा यार कोई कोई स्ट्रीमर 3-3 बजे स्ट्रीम कर रहे हैं यार, मतलब कैसे कर लेता है, आई डोंट नो। बट एंड फोर्थ इम्प्रॉपर ईटिंग, कुछ खाने का भरोसा नहीं, कुछ भी गंदगी खाते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। चेयर को सेंसी चेयर नाम देना चाहता हूँ गाइस, ये मेरा आइडिया। तो सेंसी चेयर बहुत ही सेंसिटिव चेयर है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो उसमें मैं आपको कुछ डेमो दिखाऊंगा और उसके बाद क्या क्या फीचर्स होंगे उसके बारे में बात करूंगा। तो पहला होगा कि गाइस जब भी आप मान लो 2 घंटे की स्ट्रीम है, ठीक है, तो दो घंटे की स्ट्रीम हो गई तो अपने आप वो डिसअसेंबल हो जाएगी, तुम गिर जाओगे। मतलब लिटरली वो समझ रहे हो ना, ऑटोमेटिकली डिसअसेंबल हो छेद हो जाती है ना, मतलब समझ रहे हो, तो पूरी खुल जाएगी, तुमको उठना ही पड़ेगा। मतलब मेरा मकसद ये, उठो तुम, नहीं उठ रही क्या भाई, इसको मम्मी बोलते भाई, मम्मी आके थप्पड़ मार के गिराती है भाई, उठना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड मेरा प्रोटोटाइप आइडिया है कि जैसे कार में एयरबैग्स होते हैं, क्यों नहीं चेयर में, क्यों नहीं, तुम्हें उठना ही पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये करना ही पड़ेगा जीवन में। थर्ड फीचर, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक आइडिया है, तो व्हील एक स्कॉर्पियो टाइप का प्रोटोटाइप है, लाइक तुम बैठ जाओगे आपके सामने सब आ जाएगा, everything around you will adjust for it, right? तो ये एक थर्ड आइडिया मेरा। अब मैं फीचर्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि आपको कोई मीटिंग आया, देखो तन्मय भाई कितने हैवी ड्राइवर है, मतलब उनको कितने मीटिंग्स रहते होंगे, मोबाइल में दिखता होगा लेकिन यू नो राइट, गेमिंग चेयर ही याद दिला दे। तो मीटिंग के लिए आपको गेमिंग चेयर में शॉक लग जाएगा। पोक फीचर गाइस, पोक मतलब गेमिंग चेयर के अंदर से कहीं से भी कुछ निकल सकता है गाइस, मतलब कहीं से भी कुछ भी निकल सकता है। अब वो कहाँ से निकले, मतलब मेरे को पता है समय रहना का कहाँ से उनको पता होगा, मतलब आई थिंक वो सोच रहे होंगे कहाँ से कुछ भी निकल सकता है, तो वो आपको पोक कर सकते हैं सर, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक और सबसे इंपॉर्टेंट अश्नीर ग्रोवर मोड, अगर भाई उठना ही है, बहुत अर्जेंट है, उठना ही है भाई, सब बंद हो जाएगा और सामने आ जाएगा भाई क्या कर रहा है तू, समझ रहे हो ना गाइस, जिसने भी शार्क टैंक देखा होगा दे कैन रिलेट। ये लास्ट ऑप्शन है, ये अभी इसका प्रोटोटाइप मेरे पास पूरा रेडी नहीं है, लेकिन ये करना है भाई, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब निकालो भाई, निकालो निकालो। माय आस्क इज, मेरी आस्क है स्ट्रीमर्स के साथ कोलैब, बीट गेम ऑफ फ्लीट, समय रहना सीओबी में पार्ट, मैं रॉबर की तरह, मेरा एक सपना है कि भाई तन्मय भाई के साथ एक रॉबर की तरह में पार्ट लेना है भाई, 1 मिनट साइलेंस फॉर बी स्टैट्स, ठीक है, मैं एक वीडियो में आना चाहता हूं, गेम ऑफ फ्लीट के साथ हीरो ब्राइड में पार्ट लेना चाहता हूँ। तो ये सब मेरे आइडियाज हैं, तो ये गाइस ये छोटा सा आइडिया था मेरा। नहीं मैं ना तेरा दोगला बना देता हूँ, मैं तेरा दोगला बना उतारता हूँ। तेरे को मेरी तरफ से रेट चाहिए ही नहीं है भाई, लेकिन एक चीज ध्यान देना, उससे ले लेना, उससे क्यों ले रहा है ये बंदे का फेस देखना, चैट में लोग 15 स्पैम कर रहे भाई।
भाई ऐसा, लेकिन सही में ऐसा लग रहा है अजनीश ग्रोवर ने मास्क पहन रखा है, देखना एक बार इसका चेहरा भाई अभी मैंने देखा दोगलापन है आई नो बट आई थिंक मैंने अनीश नायक से तो अच्छा ही किया होगा. थैंक्स अ लॉट फॉर द रेट गाइस, जो भी चैनल पर ना प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो. थैंक्स अ लॉट फॉर द रेट गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर द रेट.